आप करोगे पैराग्लाइडिंग? बिल्कुल करेंगे ना। करोगे? यस। इंग्लिश से देखो यार, व्यू यार ऐसा व्यू तो मिलना ही नहीं है अपने एमपी में भाई। 4 दिन हो गए अपन को यहाँ पर। बढ़िया, तो इतनी तेज ठंड लगी थी रात में कि उड़ने का ही कम पड़ गया था अपने पास। देखो यार यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है सुबह से बाहर का। पहाड़ों पर तो धुंध छा रही है। चलो बढ़िया, उठकर मुंह वगैरह धोते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह करेंगे और जिप लाइनिंग बड़ी वाली। नहाने का तो कोई मन ही नहीं कर रहा यार आज। और ये अपन अच्छे से नहा धोकर ठंडे ठंडे मौसम में बाहर निकल लिए हैं। बाहर पैराग्लाइडिंग का मन था लेकिन पानी आ चुका है तो वो प्लान अपना हो गया है चौपट। और ये नीचे इतना पानी भरा गया कि अपने जूते पूरे भीगने वाले थे भैया। लो भाई कॉफ़ी भी आ गई अपनी, बढ़िया गर्मा गर्म। आपने पी ली? यस। इंग्लिश? इंग्लिश। और भाई इधर खड़ी है अपनी गाड़ी, मेरी जीप खड़ी है थाने दी। पीछे फोटो वगैरह खींचेंगे फिर चलेंगे अपन पैराग्लाइडिंग वगैरह करने। आप करोगे पैराग्लाइडिंग? बिल्कुल करोगे। यस। इंग्लिश। और ये वाला था अपना दूसरा रूम। यहाँ से देखो यार व्यू, यार ऐसा व्यू तो मिलना ही नहीं है अपने एमपी में कहीं पर भी, ठंड में भी नहीं मिलेगा। और अपन यहाँ गए हैं, शू नहीं लेके आए थे तो उसकी लेस वगैरह सही बंधी नहीं है ना, अपन को बांधना आती है, बंधवाएंगे मम्मी। चलो अब यहाँ से रूम से निकल रहे हैं, पीछे तो पानी आ रहा है। पैराग्लाइडिंग वगैरह अपन देखते हैं क्या सीन बनता है, करने देते हैं नहीं करने देते, जिप लाइनिंग वगैरह सब। रूम से चेकआउट कर दिया अपन ने, सामान वगैरह पूरा अपना रख लिया है, नेकमेंट रह गया था तो उसे भी ले लिया। अब गाड़ी के पास चलते हैं, सामान वगैरह रख कर और निकलते हैं। चलो तो अब गाड़ी के पास भी आ गए। बारिश ही बारिश बहुत तेज। पैराग्लाइडिंग तो मेरे हिसाब से होगी नहीं, पानी बंद होगा नहीं यार। भाई की इधर देख लेते जाकर, अपनी गाड़ी भी गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये कहाँ साफ होना चाहिए गाड़ी तो। यहाँ से है वो रास्ता पैराग्लाइडिंग वगैरह करने का। हम रुके थे होटल सोलंग हॉलीडे इन में। अब यार ये होटल सोलंग तो सब जगह का नाम है लेकिन ये मेन रोड पर रखे थे, उधर है अपनी पैराग्लाइडिंग वगैरह करने के लिए। इधर से लेके जाएंगे ऊपर पहाड़ पर और इधर तो जिप लाइनिंग है। अपनी कार में नेकबैंड वगैरह सब अपन ने रख दिया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पैदल ही जाना है पैराग्लाइडिंग वगैरह करने। तो गाड़ी से गाड़ी लेके आ रहे हैं, देखते हैं यार जैसा भी हो। और ये अपनी गाड़ी का धुआं छोड़ लिए ठंड में। कुड नॉट पेयर विद माय, तो बेचारों का भी तो काम हम सब बंद हो गया है। पैराग्लाइडिंग वाले की गाड़ियां हैं ये, डीजल गाड़ी का इंजन देखो ठंड में ऐसा साउंड करता है यहाँ पर। ये अपना सामान वगैरह रख देते हैं इसके अंदर। गाड़ियां तो अभी ऊपर जा रही है पहाड़ों पर, पानी से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रोड बन रहा है यहाँ तो अच्छा खासा। 7 किलोमीटर ऊपर कुछ है यार घूमने का, तो वहाँ पर घूम लेंगे। और ये पावर बैंक को इधर रख देते हैं, काम में आएगी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर। अपने एप्पल का चार्जर, एप्पल वॉच का, ये गोप्रो रहा अपना, एक्स्ट्रा बैटरी इसको पॉकेट में रख लेते हैं काम में आइए भी। और यहाँ पे एमपी की सिर्फ एक ही गाड़ी दिख रही है मुझे तो, दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ ही हैं सारी की सारी। और यार ये इसे देखने में बार बार कुछ अलग ही सुकून मिल रहा है, मिल रहा है मतलब इसको देखने में। होटल वगैरह तो भाई देखो एक ही सीन बता रहा हूँ मैं, 7-8 बजे अगर आप जाओ तो 7-8 बजे से होटल वगैरह देख लेना, बुक कर लेना यहाँ पर, वरना लेट जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी इन लोग की इस टाइम में, मतलब जिस टाइम में इनका सीज़न चलता है ना उस टाइम में, वरना ऑफ सीज़न में तो। तो चलो भाई अब सोलंग से निकल लिए अपन 6-7 किलोमीटर और ज़्यादा ऊपर, ताकि वहाँ पर बर्फ़ वगैरह मिल जाए अपन को देखने के लिए। और ये शॉर्ट्स अपलोड हो रही है अपनी बढ़िया। अटल टनल रोहतांग आ चुके हैं, हम यहाँ घूमेंगे फिरेंगे डांस करेंगे यहाँ पर।
टनल के पास आ चुके हैं। सबसे बड़ा टनल है यहाँ का, ये 7 किलोमीटर की इसकी मतलब लेंथ है, लंबाई जो अपन बोल सकते हैं, सबसे बड़ा है यहाँ का टनल है। वो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, पीछे अपन चलेंगे लाहौल स्पीति साइड, बर्फ वगैरह सब अपन को उधर ही मिलेगा। बढ़िया मस्त मज़ा आ रहा है यहाँ तो, ठंड बढ़ती जा रही है। पीछे जो दिख रहा है बर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है बर्फ के नाम के, हम सुबह से बर्फ समझते हुए आ रहे थे। अब इसे यहाँ पर आकर देखा तो बर्फ नहीं, शायद पत्थर टाइप का है कुछ। ऊपर तक देखो यहाँ से ऐसा ही लग रहा है पूरा बर्फ ही बर्फ से भरा हुआ है पहाड़, लेकिन मैंने बता दिया कि बर्फ नहीं है। बहुत बड़ा मतलब धोखा है एक अपने साथ। लाहौल स्पीति पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास में है अपन। और ये यहाँ पर काम चल रहा है ब्रिज का कुछ, यहाँ से वहाँ से यहाँ की डायरेक्ट क्रॉसिंग होगी, जैसे कि कोई ज़रूरत तो थी, लेकिन चल रहा है भाई, पूरा पानी पानी बह रहा है, बीच पानी में काम चल रहा है यहाँ पर। बढ़िया देखो इसके अंदर शायद कोई इंसान भी है अंदर यार, ऐसे होगा तो सही। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर यार ट्रैफिक लग चुका है, आगे कुछ बस वगैरह रुक गई थी तो मोड़ पर रास्ता वगैरह ख़राब था। यहाँ पर बुरा भी नहीं लगता है ट्रैफिक लग जाता तो, साइड का मस्त व्यू वगैरह देख रहे थे मैंने, पानी वगैरह, ठंडा मौसम, आहा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई लोड ही नहीं ट्रैफिक का इधर तो। और यार बस बार बार एक ही चीज़ देखने में आती है, ये घर कैसे बने हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल एकदम कोने में कुछ हो जाए। बाई चांस भाई नेचर है वो तो यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। घर बिल्कुल ऐसे कॉर्नर में बने हुए हैं नीचे नीचे तक कि यार देखने में डर लगता है इनको, अपनी तो आदत है नहीं ना ऐसे। और ये दूर से एक वार्निंग का साइन अपन को मिल चुका है, देखो ये रोड साइड से धसल चुका है, ऊपर से तो देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, जिसको पता होगा वो तो यार भाई पहले उससे दूर चलेगा, जिसको नहीं पता होगा एकदम से उसे देख लेगा ना तो यही सोचेगा मौत को छू के टक से वापस आ गए यार अपन तो। रोड ऐसा है कभी भी गिर सकता है वो साइड से कोने से, इधर से तो दिख जाता है लेकिन उधर आने वाले को कुछ भी पता नहीं है, ना ही एहसास होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है इधर। माई लाइफ माई रूल, आई विल कीप माई हैंड इन माई पॉकेट, ये अंकल जी का स्वैग।